किया हुआ। जब 262 सालों बाद पानीपत की खुदाई में मिली 45 किलो की तलवार, नज़ारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर किसकी थी ये तलवार और क्या है इस तलवार का रहस्य, इस राज से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में, जिसकी शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से। यहाँ पर रहने वाले महज 24 वर्षीय विकास शर्मा बचपन से ही एक बहुत बड़े इतिहासकार बनना चाहते थे। वो भारत के लिए एक ऐसी खोज करना चाहता था जिससे उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाए। वो हल्दीघाटी युद्ध स्थान पर भी पहुंचा और वहां पर बहुत खोजबीन की, बहुत रिसर्च करी, लेकिन उसके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। किसी ने उसे सलाह दी कि सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि मुगलों और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में एक दिन के अंदर 60 से 70 हजार सैनिकों की जान गई थी। तुम अगर पानीपत जाते हो तो वहाँ जरूर तुम्हें कुछ मिलेगा। जिसके बाद शाम 4:30 बजे विकास मालवा एक्सप्रेस से दिल्ली से पानीपत के लिए रवाना हो गया। शाम को जब वो पानीपत पहुँचा तो सबसे पहले उसी स्थान पर गया जहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। वहाँ की जमीन में एक अलग ही गर्मी थी, मानो सभी मृत सैनिकों का लहू उसी के अंदर समाया हो। विकास अपने साथ एक मेटल डिटेक्टर लेकर आया था और उसे आशा थी कि उसे जरूर कुछ प्राप्त होगा, लेकिन देखते देखते शाम हो गई। विकास ढूंढता रहा लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर विकास पानीपत के दूसरे हिस्से में छानबीन करने लगा और एक निश्चित समय के बाद एक स्थान पर उसका मेटल डिटेक्टर आवाज करने लगा। जब उसने उस स्थान पर खुदाई की तो अंदर एक बहुत बड़ी तलवार निकल कर आई। वो तलवार तकरीबन 40 से 50 किलो की मालूम पड़ रही थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो तलवार थी किसकी। रात्रि के समय जब उसने पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में और बारीकी से रिसर्च किया, तब उसे पता चला कि 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव पेशवा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। सदाशिवराव हमेशा अपने साथ 45 किलो की एक तलवार और एक 80 किलो का भाला रखा करते थे, लेकिन जब युद्ध के दौरान उनके पुत्र विश्वास राव को गोली लगी तो उन्हें मरता देख सदाशिवराव बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठकर अब्दाली की सेना के बीच में घुस गए। ऐसी स्थिति में उनका शहीद होना निश्चित था। इस घटना के बाद मराठा सेना में भगदड़ मच गई और यही उनके हार का कारण भी बनी। अब विकास समझ चुका था कि यह तलवार मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ की ही तलवार है। उसे अपनी इस खोज पर गर्व था और इस खोज के लिए विकास को सम्मानित भी किया गया और इस तलवार को, जिसका वजन सचमुच में 45 किलो था, हमेशा हमेशा के लिए पानीपत संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया गया। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमेशा ऐसी घटनाएं देखने व जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।